See, some hypothetical elements and compounds are given. A, B, C, D are four elements with electronegativities A greater than, B greater than, C greater than, D. You have to find oxidation number of A, B, and C in these cases. Try this. Say the first one, I'll explain. See, A is more electronegative than B. So naturally, A will pull the shared electron towards it. So A will gain a partial negative charge. Now, B, on due to this pull, will get a positive plus one charge. And B being more electronegative than C. So in ke beech mein jo shared electron ka wo idhar pull kar lega. So B ka oxidation number would be zero. Now, what about C? C ka ek electron idhar gaya to plus one, but isse wo do pull kar lega to minus two. So we'll gain minus one charge. And this gains plus two charge. So oxidation number of A, B, C, and D are minus one, zero, minus one, and plus two. All right. On the same lines, you have to try to answer the next one. Try. So in this case, A bonded B double bond A single bond C triple bond. So what will be charge on this A? Minus one. Minus one. A ने B के साथ share किया एक electron. A being more electronegative, pull that electron pair to a minus one. What will be charge on this? Minus two. Minus two. ये दोनों electrons का प्रदर्शन. So due to this, इस पे plus one हो गया, इस पे plus two हो गया, and B will pull the electron of C, तो इस पे minus one हो गया. So what is overall charge on B? B पे हो गया. Right? Sorry. वैभव बोलो क्या बोल रहे थे? Sir वही बोल रहा था plus two. Okay. हाँ, इसका एक electron इसने pull कर लिया, तो plus one हो गया. बट तीन इसने पुल कर लिया तो माइनस टू हो गया और डी पे हो गया प्लस थ्री. तो इफ आई आस्क व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए बी सी एंड डी इन द कंपाउंड, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कितना है इस कंपाउंड में? ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? माइनस थ्री. माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू या माइनस थ्री बाई टू? अगर कोई पूछेगा तो मुझसे, अगर एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, नीट में भी आते हैं. इफ समवन सेज कि ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ए इन द कंपाउंड, तो आई विल से माइनस वन एंड माइनस टू, दो ऑक्सीडेशन नंबर है. बट एक वर्ड बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिख के आता है तो आई विल से माइनस 3 by 2 or minus 1.5. Fractional oxidation number. See, in the same compound, an element can have more than one oxidation number. अभी कुछ real examples देखेंगे. ये तो hypothetical है. To make you understand, वो लिखा है मैंने. बाद में आपको real वाले examples बताता हूँ. So A का यहाँ पे दो-दो oxidation number था. A has minus one as well as minus two. तो अगर एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ए या रियल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इन द कंपाउंड, तो यू हैव टू से माइनस वन एंड माइनस टू. बट अगर वर्ड यूज किया हुआ है व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इन द कंपाउंड ए बी सी डी, देन यू हैव टू से माइनस 1.5. ओके,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इज प्लस टू, ऑफ सी इज माइनस टू, ऑफ डी इज प्लस थ्री. चलो ये लास्ट वाला, दिस वन, ए बी डबल बॉन्ड, ए बी सी डबल वन सी एंड देन डी. Done. So A का क्या क्या आया? Oxidation number. Minus one, comma minus two. Minus two. Minus one, minus two. इसके लिए इसका plus one, इसका plus two. और B के बीच में? कोई नहीं होगा क्योंकि same है. कुछ भी नहीं होगा. राइट, सो ए का माइनस वन, ए का माइनस टू, बी का प्लस थ्री. इससे इसका कोई पुल नहीं है, कुछ नहीं है. व्हाट अबाउट दिस वन? माइनस, इसका पुल कर लिया माइनस टू. इस पे क्या आएगा? प्लस वन माइनस वन, नहीं प्लस वन, प्लस टू और वन, प्लस वन माइनस. इसका टू इलेक्ट्रॉन्स इसने पुल कर लिया तो इसका ऑक्सीडेशन माइनस टू है, इसका प्लस टू बनना चाहिए ना. बट डी का एक पुल कर लिया तो माइनस वन हो गया, तो टू और माइनस वन इफेक्टिव चार्ज उस पर प्लस वन हो गया. नहीं, यस, समझ में आ गया. डी पे अगेन प्लस वन, टोटल करके देख लो जीरो आएगा. सी माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस टू प्लस टू जीरो आ रहा है. नहीं, सो इफ आई टॉक ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ए, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं एक ही एलिमेंट कंपाउंड में, माइनस वन एंड माइनस टू. बी का वी हैव टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस थ्री एंड. हम में कैसे लिखेंगे ऐसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे तो? लिखो ना, बी शोज टू ऑक्सीडेशन नंबर्स इन द कंपाउंड थ्री एंड माइनस टू. उसमें क्या है? डी का इट इज प्लस वन. एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस में आता है तो दो ऑप्शन रहेंगे, दोनों आपको चूज करना है. वहां पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे लिखा होगा माइनस टू थ्री, वन बाई टू भी लिखा होता है और माइनस सपोज फाइव भी लिखा हुआ है. दीज आर फाइव फोर ऑप्शंस, सो यू हैव टू चूज दिस वन एंड दिस वन. अगर क्वेश्चन में पूछा होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी, तो आपको चूज करना ये वाला. दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. गेटिंग इट? यस सर. सो अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो चूज दिस वन. If they ask oxidation states or oxidation numbers of B in the compound, so you have to choose 3 as well as minus 2. Both you have to choose. Right? Are you samjhe? Yes, sir. तो ये कहानी आपके एवरेज ऑक्सीजन. तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जस्ट मैंने जबरदस्ती क्वेश्चन बनाया है, ये रियलिटी में भी ऐसा होता है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. So to understand average oxidation number, let us take an example. Fe3O4. Yeah, ye teen compounds humne koshish kar rahe. FeO, Fe2O3 and Fe3O4. Right, Fe3O4. So FeO mein oxidation state of iron and oxygen are what? आयरन का कितना है Fe2O3 में? प्लस थ्री. प्लस थ्री इसमें कितना है? प्लस टू. प्लस कितना?
प्लस तो होगा श्योर, कितना? टू टू कैसे टू बताओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेटस माइनस टू फॉर श्योर, माइनस टू ही होता है हमेशा एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड, ओजोनाइड एंड कंपाउंड्स विद फ्लोरीन, बाकी सारे केस में माइनस टू है। तो यहाँ पे तो आयरन के साथ मेटल के साथ कंबाइन हो रहा था, उसमें तो आंख बंद करके माइनस टू, माइनस एट हो गया, टोटल चार्ज इज जीरो, सो दिस शुड हैव प्लस एट, तो एट बाई थ्री नहीं आ रहा, एट बाय थ्री आ रहा। टू तो समझ में आता है, टू इज क्लियर, आयरन ने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड पुल कर, सॉरी ऑक्सीजन ने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल कर लिया और प्लस टू, ये भी समझ में आता है जो स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से प्लस है। ये क्या है प्लस एट बाई थ्री, क्या है एट बाई थ्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसे कोई पुल करेगा? तो एक्चुअली ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें आयरन की दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट है, टू भी है थ्री भी है, ये कितना होता है, दिस इज 2.67, इनके बीच में है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू एंड थ्री है, एंड ये जो है इसके बीच में आ रहा है, तो ये एक्चुअली एवरेज है। इसमें कुछ आयरन प्लस टू वाले भी होंगे, कुछ थ्री वाले भी होंगे, ये उनका एवरेज वैल्यू। अब तो आपको कैसे समझेगा, दिस विल टेक सम टाइम, करते करते आपका ट्वेल्थ भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज जब तक आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ठीक से जाके अंदर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं। तो कैसा होता है, सी Fe3O4 जो है, Fe3O4 is treated as, actually it is combination of FeO and Fe2O3, right? Mixture of FeO and Fe2O3, ये दोनों का मिक्सचर है, right? अगर आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जाओगे, किसका, Fe3O4 का, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट्स लाइक, लुक्स लाइक दिस। तो Fe है, ऐसा स्ट्रक्चर होता कुछ देखने में, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जाएगा, राइट। तो इसमें देखो, ये ऑक्सीजन इसके इसके साथ कनेक्टेड है तो माइनस टू हो गया, इसके साथ कनेक्टेड है तो प्लस वन, फिर इसने पुल कर लिया माइनस वन तो इसका माइनस टू हो गया, इस पर फिर से एक प्लस वन आ गया, इसका फिर से माइनस टू, इसका फिर से प्लस वन हो गया, यहाँ पे इसकी वजह से प्लस वन है, इसने एक पुल कर लिया प्लस वन, इसने दो पुल कर लिया, ये प्लस वन, इस पे प्लस वन। तो ये देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Fe, ये कितना हो गया प्लस थ्री, ये प्लस थ्री, ये प्लस टू, तो है ना, अलग, राइट। तो सेम कंपाउंड में Fe3O4 में दोनों Fe है, टू प्लस स्टेट वाला भी है, टू थ्री प्लस स्टेट वाला भी है, दोनों प्रेजेंट है, होता है दो टू प्लस वाले हैं और एक, सॉरी दो थ्री प्लस वाले हैं और एक टू प्लस वाले हैं। आ रहे समझ में? हाँ सर। So, यहाँ पे ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आज आपको नहीं पता चलेगा ट्रस्ट में, लेकिन सब पता चल जाएगा आपको एक एक बार, आपने बहुत सारे जितने कंपाउंड्स आपके एनसीईआरटी में वही बोर्ड में पूछने वाले, और इतने भी नहीं है कि अनलिमिटेड हो, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम्स में लिमिटेड ही आने, सॉरी जेईई में भी लिमिटेड ही आने वाले, नीट में भी लिमिटेड आते हैं, बोर्ड्स में भी लिमिटेड आते हैं, जिनका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में 11th और 12th ग्रुप में दिया होगा। तो ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगते जाएगा, राइट। हाँ, कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ा है आपके सिलेबस में अगर नहीं है, तो भी आप कुछ आंसर्स तो बता ही सकते हो, जैसे Fe3O4 है, आपसे पूछ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन कौन सी स्टेट है, बट ये तो बता दोगे ना आपकी 8/3 है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। हेलो, हाँ सर। तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर कि कितने Fe2 प्लस हैं, कितने Fe3 प्लस हैं, या नॉट, वो भी आप बता पाओगे एक्चुअली, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट ये तो पता चलेगा ना कि Fe कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2.67 है। तो नॉर्मल मेथड से करनी है आपको, इसकी माइनस टू है, माइनस एट, टोटल चार्ज इज जीरो, सो प्लस एट होना चाहिए इस पर, 8/3,
ठीक है, स्ट्रक्चर आता है तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर से इजीली आप निकाल सकते हैं, जैसे एबीसीडी जो कंपाउंड लिख के देखा था हमने उसमें निकाला था। अभी देखो तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको स्ट्रक्चर से निकालना है, फॉर्मूले से तो डायरेक्टली नॉर्मल मेथड से तो वो सीधा ही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही आता है, नहीं तो कैसे निकलेगा आपका? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। बेसिकली नॉर्मल अरिथमेटिक मीन निकालने जैसे। कैसे? इसमें देखो यहां पे आयरन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले में, अरे लिखा हुआ है, बोलो क्या सर? हाँ चलो, अरे इस आयरन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 इसका, इसमें +3 इसमें +2 आउट ऑफ टोटल कितने एटम्स हैं? 3 8 बच गए, याद है सच। ठीक है, समझा? गुड, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको समझना है तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग। जैसे आपको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट का इन दैट कंपाउंड। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ कभी, तो इसको रब करता हूं। As two oxidation states PB has two oxidation states PB 2+2 and +4 and PB 3+4. Okay, find percentage of PB 2 plus and PB 4 plus and PB 3. ये क्वेश्चन है, आंसर है ये आपका आंसर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला निकाल लगाओ और बताओ आप कितना है। आपको फ्रैक्शन बताना, फाइंड परसेंटेज ऑफ PB 2 plus एंड PB 4 plus एंड PB 3 or 4। जैसे आपको Fe2O3 दिखाया था, सॉरी Fe3O4 दिखाया था, Fe राइट, ऑक्सीजन। तो इसमें Fe2+ का कितना परसेंटेज था? इफ आई आस्क यू व्हाट इज परसेंटेज ऑफ Fe2+ इन दिस कंपाउंड, तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल परसेंटेज का मतलब पूछा मैं, कितना आयरन, कितने Fe के एटम्स है टोटल, टोटल नंबर ऑफ Fe एटम्स? 3 आउट ऑफ दोस 3, 2 वाले कितने हैं? 2 प्लस कितने हैं? 1 एक ही है, तो 33.33% और ये कितना है? 2 है, तो 66.67%। बट ये तो तब बता पाओगे आप जब भी आपको स्ट्रक्चर बताओ। अगर बिना स्ट्रक्चर बताया, अभी PB3O4 का आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, बट ये बताया आपको कि इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +2 and +4। यू हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ 2+2 वाला और परसेंटेज ऑफ 4+4 वाला। दिमाग लगाओ, हिंट है, वो फॉर्मूला यूज करना है आपको। इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हेन आई एक्सप्लेन Fe3O4, तो
then I have given the structure of Fe3O4. This is structure of Fe3O4. If I ask you what is percentage of Fe2+, so out of three Fe atoms, only one has oxidation state +2. So one out of three, so 33.33%. Two of them have +3. So I'll say percentage of Fe3+ is 66.67%. Right? But आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है Pb3O4 का स्ट्रक्चर नहीं है हमको नहीं मालूम Pb3O4 कैसे बनता है सो अभी आप कैसे पता करोगे कि इसमें कितना परसेंटेज 2+ वाला है और कितना परसेंटेज 4+ वाला स्टिल क्वेश्चन इज नॉट क्लियर इग्नोर चलो ये बता सकते हो आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है पीवी का 3 लेड का ऑक्स नहीं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल मेथड से निकालो ना अरे 2 नॉर्मल मेथड नहीं कितने क्वेश्चन के ऑक्सीजन का कितना होगा 3/8 8/3 is correct answer. Average oxidation number. See, iska x tha. Oxygen ka by default -2 hai. So the sum is sum of charge on lead is 3x. Charge on this is -8, but total is 0. So 3x is equal to 8. So x is equal to 8/3. Ye samjha? So 8/3 is what? 8/3 is average oxidation number of lead. All right. Hello. Yes, sir. So average oxidation number is 8/3. Now you apply the formula of average oxidation. Average oxidation number kya hota hai? Sum of oxidation number of that element in compound. Theek hai. Usme Pb2+ hai aur Pb3 4+ hai. Ye likha hua question mein. Mujhe nahi malum kitna kaun sa percent. Suppose this is x atoms and this is y atoms. Iske x atoms hai, ye state ke aur ye state mein y atoms. So total kitna ho jayega? Pb2+ ke x atoms hai. To kitna charge hai, kitna oxidation number hoga inka sum karo. 2 2 2 2 karte ho x times se to kitna hua total? 2x. 2x. 4 4 करते हुए y एटम्स है तो टोटल इज 4y अपॉन टोटल टोटल एटम्स कितने हैं हाउ मेनी एटम्स ऑल टुगेदर आ जाए 3 x+y कैसी बात है करो x+y ना हेलो हां सर वो दैट इज अदर स्टोरी की x एंड y आर द सेम इज चलो हमको मतलब तो x+y हो गया या अभी इसको इधर लेके आ जाओ तो 8x+8y is equal to 6x+12y तो 2x is equal to 4y x is equal to 2y ना परसेंटेज किसका निकालना Pb2+ है तो परसेंटेज ऑफ Pb2+ Pb2+ का कितना परसेंटेज हो गया कितने एटम्स थे उसके x out of x+y into 100 so x here 2y dal do to 2y upon 3y to 66.67 to 2+ ka percentage is 66.67 and 3+ ka percentage kitna ho gaya percentage of pb3+ sorry 4+ kitna ho gaya 33.33% bacha aa raha hai samajh mein इजी है इतना डिफिकल्ट नहीं तो इतना डिफिकल्ट नहीं है दिस इज इजी इजी टॉपिक है तो अभी ये हो गया हाँ चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा दिखता है कॉमन वाले हैं आगे चल के आपको सबको देख पढ़ना ही है ऐसा रहता है मैं ऐसा स्ट्रक्चर Pb3O4 चाहिए देखो दो ऐसे हैं +2 वाले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +2 इसका +4 है -2 -2 -2
राइट। अभी आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कब सीखेंगे, ये सब हो जाएगा। राइट, ओके। नाउ